अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिव्या नेचर लवर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमारे सारे त्योहारों का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका, तो अभी हाल ही में जन्माष्टमी गई और अब हमारे गणपति आने वाले हैं, उसके बाद दुर्गा पूजा और दिवाली, करवा चौथ, बहुत सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही सस्ता डेकोर दिखाना चाहूँगी कि मैं अपने डेकोर का सामान कहाँ से खरीदती हूँ। और ये दिल्ली का सबसे सस्ता मार्केट है, यहाँ पे सस्ता होने के साथ साथ आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि मैंने उस मार्केट से क्या क्या खरीदा है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप जाके ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये सामान कहाँ से लिया। तो ये लिया मैंने चांदनी चौक किनारी बाज़ार से, और किनारी बाज़ार डेकोर के लिए बहुत ही फेमस है दिल्ली के अंदर। वहाँ आपको भगवान जी की सभी तरह की पोशाक मिल जाएंगी, डेकोर का पूरा सामान और शादी से रिलेटेड भी पूरा सामान आपको किनारी बाजार में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरी जो फेवरेट हैंगिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये आप देख सकते हो, ये इस बार मार्केट में बिल्कुल ही यूनिक पैटर्न आया है। और ये जो दो का पेयर है ये 750 का मिला है मेरे को, लेकिन मैंने अपने चैनल का नाम लिया तो उसने मुझे 500 का दे दिया। तो अगर आप हो सके तो बार्गेनिंग कर लेना ताकि आपको भी सस्ता मिल सके। और इसको मैं दिवाली के डेकोर में यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरी सबसे ज़्यादा सुंदर और फेवरेट जो लड़ी है उनमें से ये एक है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी ऐसी लड़ियाँ खरीदी हैं। इसके बाद मैंने खरीदा है ये दो राजा रानी का पेयर। इसको मैं या तो अपने मंदिर पे यूज़ करूँगी या फिर अपने दरवाजे के ऊपर, क्योंकि इसमें लोटस बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और इसको आप डेकोर में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये केवल मैंने 100 रुपीज़ का लिया है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ी, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल प्राइस में मिला। इसके बाद हमने ली है ये माला के, ये 2 का पेयर है 500 का। बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो बार्गेनिंग करने के लिए आप बिल्कुल भी ना शर्माएं। और इसके जो फ्लावर की क्वालिटी है वो इतनी फाइन और इतनी बेस्ट क्वालिटी है कि देखने में ये बिल्कुल ही रियल लग रहे हैं। आप इसको अपने मेन गेट के दरवाजे पे या अपने मंदिर में, अपनी दिवाली डेकोर में या अपने गणपति पे, दुर्गा पूजा में, जन्माष्टमी, किसी भी डेकोर में अच्छे से यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने लिया है ये हमारा 10 का आया था पूरा गुच्छा, मैं इसमें से आपको एक दिखा रही हूँ। और ये भी बहुत ही सुंदर है, आप अपनी विंडो पे यूज़ कर सकते हो। तो दिवाली में मैं कैसे कैसे यूज़ करूँगी वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको भी केवल हमने ये 500 में 10 का लिया है बहुत बार्गेनिंग के बाद, तो भूलिए मत, बार्गेनिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी। इसके साथ हमने लिया है ये लड़ी का सेट, ये आप देख सकते हो, कुछ मैंने यहाँ पे गणपति के लिए लगा दिए जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमें 10 का पेयर केवल 200 में लिया है हमने, तो मेरे को ये सबसे सस्ता पड़ा है, क्योंकि आप लोकल मार्केट में जाओगे जो आपकी गली मोहल्ले में लगेंगे उस टाइम, ये वाले भी आपको 400-500 के मिलेंगे, जबकि ये 200 में 10 पीस हैं, तो ये बहुत ही अच्छी डील की। इसके साथ मैंने ख़रीदा अपने डॉटर इन लॉ के ये करवा चौथ के लिए एक सुंदर सा सेट, और मैं इसको दिखाना चाहूँगी। इसमें आपको 250 रुपये से स्टार्ट होके 1000 तक की रेंज में जाते हैं। ये 1000 वाला ही था, बार्गेनिंग के बाद मैंने इसको 650 में लिया है। और ये आप देख सकते हो, इसके जो स्टोन का जो वर्क है बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। इसी तरीके से यहाँ पे छलनी के ऊपर भी और प्लेट के ऊपर भी बहुत ही बहुत सुंदर वर्क किया हुआ है, तो मेरे को ये बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन इसके साथ हमें ग्लास नहीं मिला, तो हमने ग्लास एक्स्ट्रा से खरीदा है। इसके बाद हमने ये 350 वाला जो सेट खरीदा था, और इसमें हमने ये एक एक्स्ट्रा ग्लास खरीद लिया। लेकिन क्वालिटी का बताऊंगी, ये बहुत ही हल्की क्वालिटी है, बहुत ही लाइट वेट है, और उसके स्टील और उसका वर्क दोनों ही बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हमने लिए हैं ये 2 नारियल गोले, जो बहुत ही सुंदर सजावट की हुई है इनके ऊपर, और हमने इनको शादी में भी खरीदे थे। शादी के सामान के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि हमारी हिंदू मैरिज में किस तरीके के सामान यूज़ किए जाते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप उस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो ये नारियल रखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और आज जैसे मेरी डॉटर इन लॉ की पहली भैया दूज है शादी के बाद,
तो उसका भाई इसे एज ए मेमोरी हमेशा के लिए संभाल के रख सकता है, तो इसलिए मैं इनको लेके आई हूँ। इसके बाद हमने लिए हैं थोड़े से, आप पटरी देख सकते हो, पटरी के बहुत बड़े बड़े साइज भी हैं, तो मैंने दो तीन पटरियाँ पहले भी ली हुई हैं, लेकिन इस बार हम ये छोटी सी पटरी लेके आए हैं गणपति जी के लिए। और यहाँ पे हम लेके आए हैं ये लड्डू गोपाल के लिए चार पाई, इसमें भी आपको बार्गेनिंग करनी होगी। इसके ऊपर जो स्टोन वर्क हुआ है इसकी वजह से ये हमें मिली है 250 की, और वहाँ पे 120 की आपको ये चार पाई भी मिल जाएगी आसानी से। इसके साथ ही हमने लिया है, जैसे कि नवरात्रों में हम रामायण वगैरह का पाठ पढ़ते हैं या आप भगवत गीता का पाठ पढ़ते हो, तो मेरे पास ये बुक रखने के लिए नहीं थी, और इसको भी हमने केवल 200 में लिया है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, छोटे साइज में आपको ये 100 भी मिल जाएगी बड़े आराम से। इसके बाद हमने ली थी ये मटकी, जिसको हमने यूज़ किया था जन्माष्टमी में, और जन्माष्टमी का डेकोर हम अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से इसका यूज़ किया, और अपनी कृष्ण जी की जन्माष्टमी भी हमने कैसे मनाई, वो छोटी सी झलकी भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो मुझे लगा ये पोंपों का पैपी, और वहाँ पे ये केजी के हिसाब से मिल रहे थे, तो ये आधा केजी का मल्टी कलर है इसके साथ अंदर सारे, और आप चाहें तो इसमें एक कलर का भी खरीद सकते हो, जो भी आपको पसंद है। ये केवल 250 रुपये का है, 250 रुपये में ये बहुत ही सस्ते हैं, क्योंकि इसके पोंपों का साइज भी अच्छा खासा है। इसके बाद मैंने लिए हैं ये बंधनवार, और इसको मैंने केवल 250 का लिया है। पिछली बार मैं लोकल मार्केट को से इसी बंधन वाल को लेके आई थी 750 की, तो वहाँ से आप देखोगे कि बहुत ही सस्ता मिलता है। और आप यहाँ देख सकते हो गोटी का मिरर वर्क का जो वर्क है, इतना फाइन किया हुआ है इन्होंने, और आप अपने मंदिर पे मेन गेट पे इस तरह की बंधन वाल जरूर लगाते हैं। कुछ जगह इसको तोरण बोलते हैं, कुछ जगह इसको बंधन वाल बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, तो आप अगर वहाँ जाओगे तो अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कलर कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर तोरण वहाँ पे मिलेंगे आपको। इसके बाद हमने लिए हैं ये कपड़े, जो कि ये देख सकते हो कितने सुंदर बने हुए हैं। इससे पहले भी मैंने दो रेड कलर के लिए हुए हैं, इस बार मैं येलो लेके आई हूँ, गणपति पूजा में हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, और इससे पहले मैं जन्माष्टमी पे भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये बहुत ही सुंदर है। इसका जो बड़े वाला पीस है ये वाला मेरे को मिला है 150 का, छोटे वाला जो थाली वगैरह पे ढकने के लिए था वो केवल 70 रुपीज़ में था। इसके साथ ही हम अपने गणपति जी के लिए लेके आए हैं ये चुन्नी भी वहाँ पे साइज के हिसाब से मिल जाएंगी, वहाँ से मेरे को केवल ये 150 की मिली है, और वहाँ पे आप 10 रुपीज़ से लेके आप जितना चाहें चुन्नी में जा सकते हैं, और चुन्नी भी बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर मिल रही थी, तो देखने के बाद तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या लें क्या ना लें। हमने ये नेट लिए, नेट में बहुत सारे डिज़ाइन थे, ये 10 मीटर नेट है केवल 100 रुपीज़ की, तो आप दिवाली पे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर रैप करके अच्छे से आप अपना खुद ही कर सकते हैं। अगर मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है अपने सामान को डेकोर कराना, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो YouTube पे हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और हो सके तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैं अपने गिफ्ट कैसे अपने खुद से ही रैप करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ली हैं ये तीन छतरियाँ, और आपने देखा होगा कि आजकल डेकोर में इनका बहुत ही अच्छे से यूज हो रहा है, लोग अपनी हल्दी के डेकोर में, मेहंदी के डेकोर में, और हम लेके आए हैं इसको अपने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, तो ये बहुत ही सुंदर हैं। और इनके लिए मेरे को एक तो बहुत सारी शॉप में घूमना पड़ा क्योंकि मेरे को ये आसानी से नहीं मिल रही थी, और उन्होंने हमें लगाया है ये 100 का पीस, तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हो कि ये कितना सुंदर है, और आप इससे सेल्फी वगैरह भी ले सकते हो। मेरे को तो ये बहुत ही सुंदर लगी है, और मेरे बेटे की शादी में भी कुछ इस तरीके का ही डेकोर हुआ था, वो डेकोर भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, अगर आप चाहेंगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कि ये हमने बनी बनाई रंगोली ली है केवल 50 रुपीज़ में। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि वो बाज़ार बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट है, तो आप जाके वहाँ विजिट करें और दिवाली से पहले अपना सामान लें। यहाँ पे हमने अपने गणपति जी के लिए ये डेकोर किया है बहुत अच्छे से, और ये गणपति जी हमारे घर के हैं, हमने केवल आपको दिखाने के लिए इन्हें यहाँ रखा है स्थापित करने के लिए। हमारे गणपति जी परसों आएंगे धूम धड़ाके के साथ। और यहाँ पे हमने ये फूल बंगला अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया था, तो मैंने इसको गणपति में भी यूज़ कर रही हूँ,
और यहाँ देख सकते हो आप, ये मैंने छोटे छोटे लैंप हैं, इनके अंदर जो कैंडल है वो बैटरी वाली कैंडल है, तो इसको मैं उस टाइम ही पूजा के वक्त लगाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नारियल, क्योंकि नारियल बहुत ही शुभ होता है गणपति में, तो इस तरीके से आप रियल नारियल भी लोटे के अंदर लगा सकते हो। और अगर आप रियल नारियल नहीं लगाना चाहते तो ऐसे डेकोरेटिव पीस भी आप लगा सकते हो और इनको हर बार अपने डेकोर में यूज़ कर सकते हो। ऊपर जाओगे आप तो हमने कुछ इस तरीके से अपना ये दरबार सजाया है। यहाँ पे मैंने ये पीले वाली जो खरीदी थी फ्लावर की गेंदे हैं, देखने में बिल्कुल रियल लग रहे हैं लेकिन ये आर्टिफिशियल है। और ये हमने 5 का सेट लिया है 100 रुपीज़ में। तो अगर उस मार्केट में आप जा रहे हो तो कोई भी अच्छी डील करना ना भूलें। और ये वही जो मैंने आपको दिखाई है, हमने अपने डेकोर में यूज़ की है। यहाँ पे ये देख सकते हो इस तरह का, तो वहाँ पे इतना सारा डेकोर का आइटम था, इसके अंदर काइट थी, पंखे थे, और मैं कुछ इस तरीके से ये लेके आई हूँ। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम डेकोर के वहाँ आपको मिल जाएंगे। ऊपर जो आप तोरण देख रहे हो, देखने में बिल्कुल ही रियल फ्लावर की लग रही है, वो केवल 250 रुपीज़ की तोरण है। और इसमें जो आप चक्कर देख रहे हो, उसके हिसाब से हमने ये 2 चक्कर वाली ली 250 की, 3 चक्कर वाली लोगे तो आपको 350 की, इस तरीके से वो अपना रेट बताएंगे। लेकिन बार्गेनिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, इस तरह की मार्केटों में बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने ये प्लांट रख दिए, तो हो सकेगा तो हम ब्लॉग लेके आएंगे इसके ऊपर। और जो हमने अपना जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया था अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, और मेरी डॉटर इन लॉ का इस डेकोर में बहुत बड़ा हाथ है, वो सारी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हो सका वीडियो लंबा ना हुआ तो मैं इसमें शेयर करूंगी, अगर वीडियो की लेंथ बढ़ गई तो हम गणपति और जन्माष्टमी का डेकोर एक साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे दिवाली डेकोर के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर साझा करें। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेना चाहेंगे, जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।